गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और फिलहाल मैं हूँ आज कोरमंगला पे, कोरमंगला 7th ब्लॉक में एक दुर्गा पंडाल पे आई। तो उस पंडाल का नाम है मंगला कल्याण मंडप करके है, और कोरमंगला का 7th ब्लॉक में है, मेन रोड पे। तो चलिए, आज महासप्तमी है और आप सबको महासप्तमी की बहुत बहुत शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभेच्छाएं, और एडवांस में दशहरा की भी शुभेच्छाएं है। तो मैं अभी कई पंडाल में आज घूमने वाला हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा पाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दुर्गा माता के दर्शन कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पे थोड़ा सा लाइन लगा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे म्यूजिक वगैरह चल रहे हैं ना, तो बाकी बातें बाद में बाहर निकल के करते हैं। काफी लोग यहाँ पे आके फोटो लेते रहते हैं। तो भाई साहब, ये है फूड कोर्ट। स्पेशली यहाँ पे जो भी टॉप्स है वो बंगाली स्पेशली रहेगा ज़्यादातर, मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुका है, और जैसे जैसे शाम हो रहे तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा ही बढ़ रही है। तो मुझे जाना है और एक पैंडल में, तो इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। भैया, यहाँ पे पार्किंग फ्री है कि पेड है? फ्री है सर, फ्री है। फिलहाल मैं हूँ गायत्री विहार पैलेस ग्राउंड पे, और यहाँ पे दशहरा की सेलिब्रेशन चल रहा है, दुर्गा पूजा की। और यहाँ पे डंडिया वगैरह भी हो रही है। आने के लिए आप मेजेस्टिक मार्केट कोई से भी बस ले सकते हो, जो एलेन का जाती है बस 288, 298, 285, वो सारे बसेस में आके आपको पैलेस ग्राउंड करके जो बस स्टॉप है वहाँ पर उतरना है। और उसके बाद आपके गेट दिख जाएगा गायत्री विहार करके, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा है सीन। तो भाई साहब, मैं बता दूं, पहले गायत्री विहार पे एंट्री करके राइट साइड में इमीडिएट आपको एक पंडाल मिल जाएगा, जहाँ पे माता जी के दर्शन कर सकते हो आप। वहाँ पे दुर्गा की प्रतिमा सभी है। उसके बाद यहाँ पे गायत्री विहार सागर करके आपको गेट दिखेगा, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये है, वहाँ पे आपको पास लेनी होती है, अंदर जाके डांडिया खेल सकते हो। लोगों को पास अलाउ नहीं करते, आप फैमिली के साथ आएंगे तो भी आपको पास अलाउ करेगा। दूसरी बात है, पास काफ़ी कॉस्टली है यार, 700 रुपीज़ है एक एक पर हेड पास की, और वो भी पास एक दिन के लिए वैलिड रहता है। तो ऐसा कुछ है कि आप वहाँ पे अंदर जाके कोई वीडियो या फिर फोटोज़ नहीं ले सकते हो। तो चलिए गाइस, चलते कोई नेक्स्ट और एक पंडाल में देख। तो भाई साहब, ये है गेट नंबर 9 पैलेस ग्राउंड की, गेट नंबर 9। बाकी रात के बजरे सारे ना, अभी भी काफ़ी सारा लोग आ रहे हैं। आज सप्तमी है, अगले 2-3 दिन वेदर अच्छा रहा तो काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ होने वाला है। आप भी अगर घर में बैठे हो तो एक बार आके दर्शन कर लो माता जी का। Thank you.
तो भाई साहब चल रहे अंदर गेट नंबर 9 से। तो यहाँ पे थोड़ा सा शांति है, उतना क्राउड नहीं है जितना गायत्री विहार में थे। काफ़ी सुंदर लग रहा है लाइटिंग डेकोरेशन वगैरह। चलो जाते हैं दर्शन करते हैं माता जी के। भाई साहब इतने बड़े हॉल और पूरे खाली, मुझे तो बहुत ही शानदार लगा ये। थोड़ा सा लोग कम है, ओपन स्पेस है, नेक्स्ट लेवल की लग रहा है। तो भाई साहब काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, काफ़ी खुले स्पेस है देखो चारों तरफ और अंदर भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल मैं हूँ अभी एक दुर्गा पैंडल में, एरिया है कॉर्पोरेशन सर्किल के पास, एरिया का नाम मैं देख पा रहा हूँ देवेनगर हॉस्टल रोड एसआर नगर करके। तो ये बैंगलोर बंगाली गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन आर करके है, जो पूजा कमेटी है उसके नाम ये है। बाकी ये है पैंडल का फ्रंट व्यू, यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है रोड पे तो इसीलिए मैं आपको देखा नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे 34 इयर्स से ये लोग सेलिब्रेट कर रहा है, लिखा हुआ है 34 इयर्स। चलो देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं और दूसरा और कोई एक पैंडल में जाने की कोशिश करेंगे। काफी छोटा सा एरिया है बट काफी सुंदर बनाया है।